नमस्कार, मैं अनुज पाल, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के वेल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 20 हेक्टर पिपलानी में आज अन्य त्यागी गुरु गोकुलदास की 170वीं जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व पार्षद ललिता रामपाल गुरुद्वारा विगत 21 वर्षों से जयंती समारोह किया जा रहा है। इस समारोह में आज पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में नजर आए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के तत्कालीन विधायक वंडेर से फूल सिंह वरैया उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में समाज के सभी लोगों का सम्मान किया, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तथा कबड्डी प्रतियोगिता व संस्कृत कार्यक्रम में पहले और द्वितीय स्थान पर लाए। आपको बता दें, तत्कालीन प्रदेश में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुरु गोकुलदास महाराज की जयंती को शासकीय अवकाश घोषित किया था। जब प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में सभी को आश्वस्त किया था कि जब भी इस समाज को हमारी आवश्यकता होगी, कोई भी सेवक अफसर हो, आप अवश्य याद करें। गुरु गोकुलदास महाराज के जीवन पर भी प्रकाश डालते हुए समाज के सभी लोगों को इस जयंती पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन वर्गों को सम्मान मिला, उन वर्गों को प्राथमिकता मिली जिनको सदियों से इन्हें तिरस्कार किया गया और उन्हें समाज से अलग रखा गया। आज 76 साल बाद हमारे आजादी के और लगभग 24 साल होने आ रहे हैं भारतीय संविधान को, हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम उस भारतीय संविधान की पूरी सुरक्षा करते हुए जो अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब तबके को जो महत्व दिया गया है बाबा साहब अंबेडकर द्वारा, उसको हम कायम रखते हुए इस बात का प्रयास करें कि इन लोगों को जो सहूलियतें मिलती आ रही हैं वो कायम रहे। गोकुलदास जी महाराज एक राष्ट्रभक्त थे, गरीब वर्ग में जन्म लेने के बावजूद भी उनमें राष्ट्र सेवा की भावना भरी हुई थी। जब चीन से हमारी लड़ाई हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भारत के प्रभुता बचाए जाने के लिए उन्होंने जंगलों में तपस्या की, अन्न और जल त्याग कर और समाज सेवा में वे जुटे रहे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें स्मरण करते हैं। मैं इन आयोजकों को, विशेषकर रामपाल जी को, ललिता जी को बधाई देता हूं और आपके सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि गोकुलदास जी महाराज के स्मृति में वे आयोजन हर साल करते हैं। जैसा कि भरैया जी ने बताया, हमारी तरफ से जो कुछ भी सहयोग मिल सकता है आप बताएं, हम पूरी तरह से आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आप सब लोगों ने आज यहाँ जुलूस निकाला, आयोजन किया, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपका नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गोकुलदास जी महाराज। गई है, सब लोगों ने मिलकर समाज के लोगों ने, बस चलो बोलो। महापौर जी, आज 6 जनवरी को गुरु गोकुलदास महाराज की जयंती मनाई गई है। बड़े हर्ष की बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में, देश में हमारे गुरु की जयंती मनाई जाती है। बहुत खुशी की बात है जो हमारा समाज इकट्ठा होता है और संगीत वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं, दिल्ली से भी आते हैं प्रस्तुति देने। हमारे समाज का बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग मिलता है। समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और राजा साहब को जब भी हम बुलाते हैं वो आते हैं, समय देते हैं हमारे समाज को, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो भांडेर से विधायक आए हुए थे उनको हमने बोला, वो भी तुरंत आए हुए, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। मेरा मनाई जा रही है आज गुरु गोकुलदास जी महाराज की,
आज 6 जनवरी 2024 में गुरु गोकुलदास जी महाराज की 117वीं जयंती यहाँ पिपलानी चक्की ग्राउंड पे बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कलश यात्रा महिलाओं द्वारा निकाली गई और कबड्डी टूर्नामेंट जो हमारे समाज के बच्चे इसमें काफ़ी भाग लेते हैं, कबड्डी टूर्नामेंट भी कराया गया। उसके साथ साथ जो हमारे ढोल वाले थे उनकी प्रस्तुति दी गई और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब पधारे थे और साथ में विशेष अतिथि के रूप में फूल सिंह भरैया जो भांडेर से विधायक वो ही पधारे थे। ये हमारे लोग के लिए सौभाग्य है कि गुरु गोकुलदास जयंती में इतनी बड़ी संख्या में लोग भी पधारे और अतिथि भी समय पर यहाँ पहुँच गए। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।